हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइड डेंटल ब्लॉग्स। तो आज का मेरा टॉपिक, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हिंदी में ओएसएमएफ का वीडियो बनाइए, तो मैं आज अपनी प्योर शुद्ध हिंदी भाषा में ओएसएमएफ का एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बारे में सारी चीजें फिर से दोबारा बताने वाला हूँ। और उसमें से सबसे पहली चीज जो सब स्टूडेंट्स को भी और सब डॉक्टर्स को भी थोड़ा बहुत काम में आएगी, वो है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आप लोग व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो भी ओएसएमएफ के बारे में जानना चाह रहे हैं या फिर जो सर्च करके आप लोग आए हैं, तो सही जगह पे आए हैं। फर्स्ट मेरा इंस्ट्रक्शन तो ये होगा आप लोगों की, अगर आप किसी तरह का टोबैको ले रहे हैं तो उस टोटली आप छोड़ दीजिए। और अगर आप किसी तरीके का एरेका नट भी ले रहे हैं, या फिर जैसे सुपारी होती है ना, प्लेन सुपारी जिसकी चुटकी के अंदर सुपारी होती है, या फिर ऐसी ही सुपारी बहुत लोग खाते हैं, तो वो टोटली बंद कर दीजिए। देखिए ओएसएमएफ में तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि आपका मुंह नहीं खुलता है और मुंह जलता है। तो ओएसएमएफ जानने के लिए आपको दो चीजें जानने की बहुत जरूरत है कि आपके जो चीक का जो म्यूकोसा है वो किस चीज से बना होता है। वो एक चीज से बना होता है, उसका नाम होता है कोलाजन। हमारा पूरा बॉडी कोलाजन से बना होता है। कोलाजन बहुत टाइप का होता है, कोलाजन 1, 2, 3, 4, 5, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप इतना जान लीजिए, आपका जो ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो गाल है, जो चीक्स का जो फाइबर है, जो इलास्टिक फाइबर है, वो कोलाजन डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें। तो मेनली इसमें दो एंजाइम्स का मेन काम है, एक तो है लाइसिल ऑक्सीडेज का बढ़ जाना और कोलाजिनेज का कम हो जाना। लाइसिल ऑक्सीडेज क्या करता है, कोलाजन को आपके चीक्स में बढ़ाता है, ठीक है। और जो दूसरा है कोलाजन को घटाने वाला एंजाइम जो होता है कोलाजिनेज, जो कोलाजन को खत्म करता है, वो कम हो जाता है। समझ में आया? तो आप क्या करते हैं, एरेका नट चबाते हैं, पान खाते हैं। पान में क्या मिलाते हैं, कत्था मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं। तो वो सब क्या करता है, जो कत्था और चूना होता है आपके ओरल म्यूकोसा, मतलब जो चमड़ा है अंदर में गाल का, उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इन्फ्लेमेशन मीन्स एक टाइप का इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो आपका जो कत्था होता है उसके अंदर आपको पता अगर होगा, उसमें कॉपर होता है और फ्लेवोनॉइड्स बोल के एक चीज होती है आपके एरिका नट में। वो फ्लेवोनॉइड्स और कॉपर मिलके एक एंजाइम होता है बॉडी में, लाइसिल ऑक्सीडेज, उसको बढ़ा देता है। अगर लाइसिल ऑक्सीडेज बढ़ गया तो जो आपका बॉडी में जो कोलाजन होता है, जैसे कि आप कोई कपड़ा सोचिए, कपड़े को सोचिए, कपड़े में बहुत सारे फाइबर होते हैं ना, ऐसे ऐसे दिखते हैं, पैंट को अच्छे से देखिए, जींस को, सो वैसे वैसे फाइबर ऐसे क्रॉस 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 फाइबर होते हैं ना, पैंट टी शर्ट कुछ भी अगर आप देख लीजिए, वो जो फाइबर्स होता है वो कोलाजन फाइबर को इंक्रीज कर जाता है। इसलिए क्या होता है, इतना ज्यादा फाइबर बढ़ जाते हैं मुंह में कि आपका मुंह खुलता नहीं, पूरा टाइट हो जाता है। तो कोलाजन फाइबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या होता है, और उस कोलाजन फाइबर को ये जो एंजाइम है लाइसिल ऑक्सीडेज, ये स्टेबिलाईज भी कर देता है। उल्टी और क्या होता है कि जो आपका TIMP बोल के एक केमिकल होता है, टिश्यू इनहिबिटर मेटल प्रोटीनेज, और PAI बोल के एक केमिकल होता है, उसका नाम है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या करता है, जो इस क्रॉस लिंकिंग, मतलब ये जो कोलाजन है आपके गाल में जो टाइट हो गया है, उसको ढीला करने वाला जो एंजाइम है कोलाजिनेज, वो ढीला नहीं होता है, वो कोलाजिनेज एंजाइम पूरा कम हो जाता है। तो जितना दिन जाते जाते आप जितना पान गुटखा ये सब खाते रहते हो, सुपारी खाते रहते हो, तो वो आपका लाइसिल ऑक्सीडेज इंक्रीज होता रहता है, कोलाजन के अंदर क्रॉस लिंकिंग बढ़ता रहता है, और आपका जो इंजाइम है जो कि क्रॉस लिंक को खत्म करे, जो मुंह को खोलने में हेल्प करता है, वो जो इंजाइम वो कम हो जाता है, उसका नाम है कोलाजिनेज। तो इसके बहुत सारे घरेलू उपचार वगैरह मैं आपको बताऊंगा। घरेलू उपचार तो है, सबसे पहले जॉइंट एक्सरसाइज, आपको बैलून फुलाना है। देखिए मेरा एक बैलून पीछे भी लगा हुआ है, मेरा वाइफी का बर्थडे था तो मैंने बैलून फुलाना है। तो बैलून फुला कैसे करना है आपको एक और एक्सरसाइज में बताता हूं। सबसे पहले तो ऐसे आपको अपने हाथ को लेना है, इस टाइप का प्रेशर देके आपको अपने माउथ को ओपन करना है। इनिशियली आपका माउथ बिल्कुल भी स्वेलिंग मतलब होगा ही नहीं बिल्कुल भी, और बहुत डिफिकल्ट होगा, और उससे क्या होता है कि आपका पेन भी थोड़ा होगा, लेकिन वो आपको दिन में 200 से 300 बार आपको करना ही है एवरी डे फॉर 2-3 साल, तभी जाके आपका फाइबर जो है लूज होंगे और मुंह थोड़ा खुलने लगेगा। और मैक्सिमम आपका 1.5 टू 2 सेंटीमीटर अगर मुंह खुल गया तो मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक और स्टिक एक्सरसाइज होती है आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज, जो कि आपको आइसक्रीम स्टिक्स को, जो आइसक्रीम स्टिक को एक के ऊपर एक स्टिक करके आपको दांत के अंदर लगाना होता है। तो आप बैलून भी फुला सकते हैं, बैलून को ऐसे मुंह में लेके आपको
खुला के बंद करना है, खुला के बंद। जब भी OSMF होता है तो उसकी वजह से काफी पेशेंट्स और काफी लोग साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज होते हैं। क्यों ट्रॉमेटाइज होते हैं? क्योंकि वो आसपास के लोगों से पूछते रहते हैं, अपने पड़ोसियों से पूछते रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और पूछते रहते हैं कि किस तरीके से मेरा ठीक होगा। लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नुस्खे देते हैं और उस वजह से एक बंदा और एक बंदी, कोई भी लड़की को भी हो सकता है, ये साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाते हैं। मींस उसमें ये डर बैठ जाता है कि मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मेरा मुंह नहीं खुल रहा है। काफी कॉमन है, मतलब कैंसर का डर अंदर में बैठ जाता है और जिस वजह से आपका जो बॉडी का इम्यूनिटी लेवल और इम्यूनिटी स्टेटस डिक्रीज होता है ड्यू टू स्ट्रेस, और उसकी वजह से आपका जो बॉडी का नेचुरल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो टू फाइट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स, जो फिर आपके हार्मफुल सेल्स के फाइट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से OSM हो गया है अगर, तो फिर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लें। कुछ कुछ मैंने आपको एक्सरसाइज भी बताया, वो रेगुलर करिए। और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, जैसे कि कुछ कुछ अब प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि कैरेट्स हो गया, स्पिनैच हो गया, जैसे पालक जिसको बोलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, और टोमेटो खाइए। टोमेटो में लाइकोपीन होता है जो कि OSMF ओरल सेमिकस पाइपरेशन में जो बर्निंग होती है उसको कमाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। प्लस कैरेट्स खाइए, कैरेट्स में बीटा कैरोटीन होता है जो कि आपके बर्निंग सेंसेशन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। वो क्या करता है, ये लोग ये जो होते हैं ये चीजें आपके जो इन्फ्लेमेशन को है, जो जलन है, उसको पूरा कम कर देती है। इसके साथ एक और मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ जिसका नाम है क्यूरक्यूमिन। क्यूरक्यूमिन कुछ नहीं है, क्यूरक्यूमिन है हल्दी। आप क्यूरक्यूमिन की टैबलेट्स भी अवेलेबल होती है लेकिन बहुत डिफिकल्ट से अवेलेबल, इट्स नॉट फुल्ली इन द मार्केट। तो आप हल्दी को लेके उसका पेस्ट बना के दही में मिला के उसको पी सकते हैं दिन में 2-3 बार। अगर आप टोटल उसको चीक्स पे पहले लगा भी, चीक्स मतलब अंदर में, गाल के अंदर में लगा भी सकते हैं एंड यू कैन स्वेलो इट ऑल्सो, तो बोथ फॉर्म में आप ले सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अब बिल्कुल दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि OSMF हो गया तो कैंसर हो जाएगा। पर जी हाँ, ये एक चीज है कि अगर OSMF के बाद आपका स्टेज बहुत हाई लेवल पे है, अगर आपका माउथ ओपनिंग बिल्कुल 1 सेंटीमीटर खुल रहा है, बिल्कुल 1 मिलीमीटर आपका मुंह खुल रहा है, उसकी वजह वो मतलब कुछ कुछ केसेस में 1% to 2% केसेस OSMF होने के बाद भी लोग गुटखा छोड़ना मतलब बिल्कुल छोड़ते नहीं है और वही जो चीज है वो कैंसर में बदल जाती है। मेरे पास काफी ज्यादा पिक्चर्स वगैरह भी हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको कैंसर, लेकिन मैं YouTube पे नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उसकी वजह से काफी लोग टेंस्ड हो जाएंगे और फिर सोच लेंगे कि मुझे कैंसर हो ही है। तो और भी इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है, अगर आपके पास किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सबसे पहले अगर OSMF है सबसे पहले गूगल करना तो बंद करिए, और सबसे पहले जो आपका नियर बाय हॉस्पिटल है उसमें आपको किसी ENT सर्जन को नहीं दिखाना है, या फिर किसी जनरल सर्जन को नहीं दिखाना है, या फिर कोई आपको दिखाना है ओरल मेडिसिन डॉक्टर को। ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी बोल के एक ब्रांच होती है MDS की इंडिया और नेपाल में, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं ओरल मेडिसिन, जो कि ओरल कैंसर, ओरल अल्सर्स, OSMF, मुंह में अंदर कुछ भी छाले पड़ जाना, व्हाइट लीजन या लाल रंग का कुछ हो, पैच हो जाना, ये सब चीजों को जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखाइए MDS इन ओरल मेडिसिन। वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे OSMF के लिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास किसी गांव में रहते हैं या फिर आप किसी अंदर इंटीरियर में रहते हैं तो आपके नियरेस्ट डेंटल कॉलेज नेट पे सर्च करके चले जाइएगा, वहां पे हर एक डेंटल कॉलेज में, मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेंटल कॉलेज की बात कर रहा हूं, डेंटल कॉलेज में ये डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि आप मेडिकल फील्ड में जाइए वहां पे 9 ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि हो गया आपका गायनिकोलॉजिस्ट हो गया, स्किन स्पेशलिस्ट हो गया, या फिर आपका कोई कम्युनिटी वाला हो गया, या फिर आपका रेडियोलॉजी वाला हो गया, उसी तरह डेंटल में भी 9 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें से एक ब्रांच है फर्स्ट ब्रांच ओरल मेडिसिन। तो ओरल मेडिसिन में जो MDS किया है उनके पास जाइए और अपना ओरल कैविटी दिखाइए, आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाएगा और बिल्कुल परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। अगर ये आपको है तो बिल्कुल सही तरीके से ठीक हो जाएगा। और भी इसका मैनेजमेंट बहुत ह्यूज है और जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीज को खाना इंक्रीज करिए, और अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब कि जो कि अवेलेबल होती है हिमालय ड्रग्स की, ऑक्सीटार्ड है होती है, या फिर लाइकोपिन कंटेनिंग ड्रग्स होती है, जैसे कि SM फाइब्रो, एक ड्रग भी आता है उसका नाम है मेडिसिन SM फाइब्रो, टोटल हर्बल है, आप ले सकते हैं, वीक और 24 ले सकते हैं। ऐसे बहुत टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो खुद से मत खरीदिए, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको लिख के देगा। ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ बर्निंग सेंसेशन और जितनी जलन हो रही है उस हिसाब से आप जाइए
और डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा। तो इसी तरीके से मैं आपको बस टोटल ट्रीट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया जरूर दे सकता हूँ किस तरीके से आप थोड़ा बेहतर फील कर सकते हैं ये वीडियो देख के। और बस आपके आपको किसी और की नहीं सुननी है, बाजू वाले घर की या आंटी की, या आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। वहां पर जाके आप दिखाइए, ना ही अपने दोस्तों से पूछिए, ना ही गूगल देखिए, कुछ मत देखिए, बस सीधा हॉस्पिटल पहुंचिए और ट्रीटमेंट कराइए। थैंक यू टिल देन। अगर आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।